नमस्कार जी, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी कैसे हो और आजकल क्या क्या कर रहे हो? और ले चलती हूँ आपको आज अगले ब्लॉग में। मेरी आंखों में प्याज की मिर्ची लगी हुई बहुत ज्यादा, और मैं बना रही हूँ आज भरवा करेले। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके बीज निकाल दिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके बीज निकाल दिए अंदर से। ये देखिए, इस तरह से बीज निकाल दिया। अब इसको मसाला बनाऊंगी मैं। ये देखिए, मैंने ये हमारे पुराने जमाने की कुंडी बोलते हैं हम लोग गांव की भाषा में, और ये इसका पीसने के लिए। और इसमें मैंने सब कुछ काट दिया है। अब प्याज भी, लहसुन भी, और ये बीज थे निकाले हुए इसके, ये बीज भी डाल दिए, और ये हरी मिर्च। और अब इसमें नमक, हल्दी वगैरह इसमें ही डालूंगी, फिर ये मसाला तैयार हो जाएगा। फिर ये इनको भर दूंगी करेलों को। ये देखिए जी, ये मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको भर दूंगी इसमें। इसमें अच्छा पीसा जाता है कुंडी में, नहीं तो अगर हम मिक्सी में पीसते हैं ना, उसमें बहुत बारीक हो जाता है, फिर उसका टेस्ट ही नहीं आता है। इसमें इस तरह से इसमें भर दूंगी। देखिए, इस तरह से ही सब में भरना भर दूंगी, जो काढ़े हुए हैं, जो जिसमें ज्यादा लगेगा उसमें ज्यादा, जिसमें कम लगेगा उसमें कम। देखिए, इस तरह से फिर इसमें धागा बांध देंगे, फिर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से धागे बांध दिए है सब में। अब मैं इनको तेल के बीच डाल दूंगी। तेल भी गर्मी हो चुका है, तेल मैंने पतीले में डाल दिया। इसके लिए तेल थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है, फिर अच्छे बनते हैं। इस तरह से अब इनको पकने देंगे। ये देखिए जी, करेले हमारे पक चुके, अब तैयार हो गए। ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने को। और ये मैंने थाली में निकाल दिए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।